हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार साथियों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू तूफानी पहाड़ी पावर्ड बाय सिविल स्टाफ हिमाचल। दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम 20 मार्च 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि रोज सुबह 10:30 बजे हमारी करंट अफेयर्स की क्लास होती है, तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास में 20 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं, मुझे प्लीज कन्फर्म कर दीजिए मेरी वॉइस अब तक पहुँच रही है, ऑडिबल एज वेल एज विजिबल, प्लीज कंफर्म कीजिएगा एक बार। हाँ जी स्टूडेंट्स, बता दीजिए एक बार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नहीं बच्चे, सैटरडे को क्लास नहीं हुई थी, मैंने पहले एक क्लास ले ली थी तो उसके कारण मेरा गला जो है बहुत ज्यादा खराब हो गया था, तो मैं क्लास नहीं ले पाया था सैटरडे को। ठीक है, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास का जो पहला करंट अफेयर है वो बात करता है यहाँ पर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, बेसिकली स्विमिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संपना रमेश, संपना रमेश बिकेम्स द फास्टेस्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस द पार्क स्ट्रेट। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रेट क्या होता है। यहाँ पर एक स्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, ये स्ट्रेट क्या होता है। देखो, दो देशों के बीच में जो नैरो रिवर पाथ होता है, जो नैरो रिवर पाथ होता है उसे हम क्या देते हैं, वाटर पाथ होता है उसे हम क्या देते हैं, स्ट्रेट। उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट कहते हैं। जैसे कि इस चित्र में आप देखिएगा, ठीक है, ये यहाँ पर है हमारे भारत का साउथ इंडिया, ठीक है, ये तमिलनाडु है, केरला है, आप देख सकते हो ये एंड हो गया, और ये यहाँ पर आता है श्रीलंका। तो श्रीलंका और भारत देश के बीच में ये जो है, ये है पाक स्ट्रेट, ये है पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट को स्विम, पाक स्ट्रेट में स्विमिंग करने का एक नया रिकॉर्ड यहां पर बनाया गया है संपन्ना रमेश जी के द्वारा। संपन्ना रमेश ने एक नया रिकॉर्ड यहां पर क्रिएट कर दिया है। तो नया रिकॉर्ड क्रिएट करने वाले ये जो पर्सन है संपन्ना रमेश जी, ये पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, ठीक है, 21 साल से भी छोटी अभी तक इनकी आयु है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तलाईमन्नार श्रीलंका से लेकर धनुषकोडी तमिलनाडु तक इन्होंने जो ट्रैवल किया वो 5 घंटे 30 मिनट में स्विमिंग इन्होंने कंप्लीट करी है। इससे पिछला रिकॉर्ड स्विमिंग का था 8 घंटे 26 मिनट का, तो लगभग 3 घंटे पहले इन्होंने ये कंप्लीट कर दिया, और जिसके चलते हुए ये फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं पाक स्टेट में स्विम करने वाले। इन्होंने एक नया रिकॉर्ड जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारी परीक्षा के अंदर इस तरह के सवाल जो हैं वो अक्सर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है वो बात करता है यहाँ पर राजस्थान की। देखियो, राजस्थान की बात करता हूं तो राजस्थान एरिया वाइज भारत देश का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, ये आप सबको पता है। ठीक है, राजस्थान में पॉपुलेशन चाहे इतनी नहीं है बट एरिया वाइज सबसे बड़ा जो है स्टेट है वो राजस्थान है। अब राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है अशोक गहलोत, इनका नाम है अशोक गहलोत। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सचिन पायलट यहाँ के डेप्टी चीफ मिनिस्टर है। इन्होंने अनाउंस कर दिया कि 19 नए डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिले जो है वो राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे, और इसी के साथ साथ 3 नए डिवीजन भी राजस्थान के अंदर बनाई जाएंगी। तो एक नया इनिशिएटिव यहां पर सरकार के द्वारा लिया गया है। अगर मैं पहले की बात करता हूं तो राजस्थान के अंदर अभी तक 31 जिले थे, राजस्थान के अंदर अभी तक 31 जिले थे, और इन 19 को जोड़ देने के बाद राजस्थान में 50 जिले हो जाएंगे, 50 डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, ये अभी यहां पर कंप्लीट हो चुका है, क्लियर। और आप सबको पता है कि यहां पर कुछ ही समय में राजस्थान के अंदर चुनाव जो है वो होने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान के अंदर नए चुनाव जो है वो होने वाले हैं। अब जो नए डिस्ट्रिक्ट बनाए गए हैं, अनूपगढ़, बलोत्रा, बेवर, डीग, दिदवाड़ा, ठीक है, डूडू, गंगापुर सिटी, जयपुर नॉर्थ, जयपुर साउथ, जोधपुर ईस्ट, जोधपुर वेस्ट, केकरी, कठपुत, कोटपुतली, खैरथल, नीम खदाना, पलोड़ी, सलुम्बर, सचोर, शाहपुरा, ठीक है, ये सब नए डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर बनाए गए हैं, और बंसवाड़ा, पाली एंड सिक्कर, ये 3 नई डिवीजन यहाँ पर बना दी गई है राजस्थान की सरकार के द्वारा। तो राजस्थान की सरकार का ये कदम है यहाँ पर राज्य में डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्रीज करने का जो कदम है। देखिए, ये जो चेंजेस यहाँ पर किए जाते हैं ये राज्य सरकार अपने लेवल पे कर सकती है, होम मिनिस्ट्री से जस्ट एक अप्रूवल लेना होता है,
ठीक है, इसके इसको करने के लिए किसी भी तरह के किसी पार्लियामेंट्री अमेंडमेंट की जरूरत नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, क्योंकि हम स्टेट के इनर को चेंज कर रहे हैं, अंडर बाउंड्री को चेंज कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अगर आप में से किसी का सवाल है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है, नहीं, इस तरह के चेंजेस को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा जो करंट अफेयर है वो बात करता है यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग की। तो देखिए मणिपुर के अंदर यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग को लेकर एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको मणिपुर के गवर्नर जो है इन्होंने खुद इनोग्रेट किया, मणिपुर के गवर्नर ने खुद इनोग्रेट किया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग यानी कि बिना फर्टिलाइजर्स या केमिकल्स का इस्तेमाल किए गए हम जो फार्मिंग करते हैं उसको लेकर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम था नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजेशन एनवायरमेंट एंड रिसिलेंट एग्रीकल्चर, ये इस कॉन्फ्रेंस का नाम था, जो कि यहाँ पर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मणिपुर के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया, और मणिपुर के जो राज्यपाल हैं ठीक है, दैट इज द अनुसुईया यूकई, इन्होंने खुद इसको इनोग्रेट किया, इन्होंने खुद इस कॉन्फ्रेंस को इनोग्रेट किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न की स्टेट्स में प्रमोट की जा रही है। और अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर भारत के पहले ऑर्गेनिक स्टेट की, द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया की अगर मैं जब बात करता हूं, तो ये नॉर्थ ईस्ट का ही एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। यस स्टूडेंट, सिक्किम इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया, सिक्किम इज द फर्स्ट ओपन एप्लीकेशन फ्री स्टेट ऑफ इंडिया, एंड सिक्किम इज ऑल्सो द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया। ये दोनों चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओपन एप्लीकेशन फ्री क्या होता है, खुले से शौच मुक्त। तो भारत का ऐसा पहला राज्य जो खुले से शौच मुक्त हुआ वो भी सिक्किम है, और भारत का पहला ऐसा राज्य जहां पर टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है वो है सिक्किम। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में ये नेचुरल फार्मिंग को लेकर ये जो कॉन्फ्रेंस है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, ये मणिपुर के अंदर ऑर्गेनाइज की गई, ये भी आप ध्यान में रखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे की बात करते हैं, द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस, द ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस। देखो मिलेट मोटे अनाज की हम बात यहां पर अगर करते हैं, तो 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यहां पर डिक्लेयर किया था कि 2023 का जो वर्ष है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर ऑब्जर्व किया जाएगा। ये भारत के यत्नों के कारण ऐसा किया गया था। अब भारत ने ऐसे यत्न किए तो अभी ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस जो है ये भी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, यानी कि भारत देश की अगुवाई में कंडक्ट की जा रही है। तो इसमें नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर बताया मोटे अनाज के बारे में, आप सबको पता ही है, मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम मिलेट को बोल रहे हैं श्री अन्न, श्री अन्न हम मिलेट को बोलते हैं। तो भारत ने मिलेट या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दे दी गई है, श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। तो ये ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं, भारत के प्रधानमंत्री के शब्द हैं। तो मिलेट जो है अब दुनिया भर में प्रमोट किया जा रहा है, न्यूट्रिशन से भरा फूड जो है वो हम सब तक पहुंचा रहे हैं, ये इनिशिएटिव हम रेज कर रहे हैं, दैट इज ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। चलिए, और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर देना बच्चों। चलिए अगले न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, उत्तराखंड की सरकार ने अप्रूव कर दिया 10% रिजर्वेशन फॉर स्टेटहुड एक्टिविटीज। देखो राज्य के अंदर जो एक्टिविस्ट है, एक्टिविस्ट यानी कि ऐसे कार्यकर्ता जो राज्य को जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं और राज्य का नाम कर रहे हैं, राज्य के कार्यकर्ता स्टेटहुड एक्टिविस्ट, ठीक है, जैसे कोई चाइल्ड एक्टिविस्ट होता है, कोई सोशल एक्टिविस्ट होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविस्ट जो ये राज्य के अंदर पाए जा रहे हैं, उत्तराखंड के अंदर पाए जा रहे हैं, उनके लिए 10% का रिजर्वेशन यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है सरकार के द्वारा, उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है, हालांकि ये 10% रिजर्वेशन की डिमांड जो है वो काफी पहले चल रही थी, ठीक है, बट सरकार और इसको गवर्नर ने अप्रूवल नहीं दिया, राज्यपाल ने अप्रूवल नहीं दिया था, तो अभी फिर से इसको प्रेजेंट किया गया और अब राज्यपाल को अप्रूवल देना ही पड़ा। तो 10% होरिजोनटल रिजर्वेशन जो है वो स्टेटहुड एक्टिविस्ट को दे दी गई है गवर्नमेंट जॉब के अंदर, गवर्नमेंट जॉब के अंदर 10% का रिजर्वेशन जो है वो दे दिया गया है, वो दे दिया गया है, ये आपने ध्यान में रखना है। उत्तराखंड वैसे ही काफी चर्चा में भी रहता है, ठीक है, और उत्तराखंड भारत का एक ऐसा राज्य भी है जो ये बहुत ही जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू करने वाला है। यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल या अनुच्छेद के तहत आता है। हाँ जी बताइए जल्दी से, मैं उत्तर का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
हाँ जी स्टूडेंट, आंसर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, एक तरह के कानून, मैंने वैसे भी बहुत बार समझाया है इसको, एक तरह का कानून लेके आना, एक तरह का कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी मजहबों के लोगों के लिए। बहुत अच्छे, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। दिस इज आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी का हिस्सा है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का ये हिस्सा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ कुछ और बदलाव भी उत्तराखंड के अंदर किए गए, वो क्या है? ठीक है, नई सोलर पॉलिसी यहाँ पर कैबिनेट लेके आ रहा है। नई सोलर पॉलिसी के तहत ठीक है यहाँ पर जो है ज्यादा जो है सोलर को बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ साथ जो एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है, एमएलए लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड है जो कि 3 करोड़ 75 लाख मिलता था, इसको बढ़ाकर भी 5 करोड़ कर दिया गया सालाना। उसके बाद बहुत सारे डिसीजन लिए गए, महिला मंगल दल जो है ठीक है यहाँ पर इनको पहले 25 लाख रुपए मिलते थे, उसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिए गए हैं। उसके बाद मंदिरों के लिए जो पैसा दिया जाता था ठीक है, मंदिरों के निर्माण के लिए या फिर मंदिर को सेट करवाने के लिए, देखो उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे, तो उन मंदिरों का नव निर्माण करवाने के लिए 25 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार देता था, अब उसको भी बढ़ा के 50 लाख कर दिया गया है। तो ये इनिशिएटिव जो है राज्य की सरकार के द्वारा इनिशिएट रेज किए गए। चलिए अगला करंट अफेयर है राम साहेब प्रसाद यादव। राम साहेब प्रसाद यादव जो है ये तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के, तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं नेपाल के, नेपाल देश जिसके प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल साहब जो हैं, इसके प्रधानमंत्री है, और नेपाल के अभी मैंने आपको बताया था कि नए राष्ट्रपति भी इलेक्ट हुए हैं, उनका भी नाम है रामचंद्र जी। तो राम ही प्रेसिडेंट है, राम ही वाइस प्रेसिडेंट है, बट वो रामचंद्र है, ये राम साहेब प्रसाद यादव है, ये ध्यान में रखिएगा। तो नेपाल के डेप्टी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट हम इनको कह देते हैं, दैट इज द राम साहेब प्रसाद यादव, राम साहेब प्रसाद यादव नेपाल। नेपाल में जो मुद्रा चलती है वो है रुपया, और नेपाल की राजधानी है काठमांडू, काठमांडू। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि भारत के 7 राज्यों के अंदर प्रधानमंत्री मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स जो है वो बनाए जा रहे हैं, टेक्सटाइल क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, टेक्सटाइल क्षेत्र को बूम तक लेके जाने के लिए। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के साथ इसको जोड़ा था। देखिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या होती है, कि अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत अच्छे लेवल पे कार्य करते हैं, उसके एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं, उसकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर भारत सरकार आपको इंसेंटिव देगी। तो इसलिए भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाया था, और इसको टेक्सटाइल क्षेत्र के साथ भी जोड़ा गया था। तो नरेंद्र मोदी जी ने अभी 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का जो अनाउंसमेंट है वो किया है 7 राज्यों के अंदर। ठीक है, कौन कौन सी हैं? तमिलनाडु है, गुजरात है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। तो ये 7 राज्यों में यहाँ पर बनाया जाएगा प्रधानमंत्री मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क, क्लियर? जिसके चलते हुए टेक्सटाइल क्षेत्र में करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आएगा, और बहुत सारे लोगों को जो नौकरी है वो मिल सकती है, बहुत सारे लोगों को नौकरी जो है मिल सकती है, क्लियर? अभी तक अगर मैं बात करता हूँ 1536 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो आ चुका है, जब से प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आई है, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के चलते हुए जो कंपनीज है इनको बहुत बेनिफिट हुआ, इनको बहुत बेनिफिट हुआ है, क्लियर? ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसके चलते हुए 10,683 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले सरकार ने प्लान किया है फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर, फॉर द टेक्सटाइल सेक्टर सरकार ने ये प्लानिंग जो है वो करी है, क्लियर स्टूडेंट्स? और ये जो प्रधानमंत्री मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क है ये 5 F के ऊपर चलेंगे, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन। ठीक है, फार्म से फाइबर तक, फाइबर से फैक्ट्री तक, फैक्ट्री से फैशन तक, फैशन से फॉरेन तक, यानी कि हम एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, जिसी के चलते हुए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को हमने बनाया था स्टूडेंट्स, क्लियर? तो बच्चों ये था आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, काफी छोटे छोटे करंट अफेयर्स ही थे जो हमने जल्दी जल्दी कवर कर लिए हैं। अब बारी है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिए कोई डाउट तो नहीं है, फिर हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं और एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। चलिए तो एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला एमसीक्यूज ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंडर 21 ग्रुप में जिन्होंने पाक स्टेट को स्विम किया और फास्टेस्ट इंडियन बने हैं, फास्टेस्ट इंडियन बन चुके हैं, फास्टेस्ट इंडियन ये बन चुके हैं, बताइए स्टूडेंट्स कौन है ये व्यक्ति, इनका नाम क्या है? इनका नाम है संपन्न रमेश, संपन्न
रमेश इनका नाम है, संपन्न रमेश। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अगला सवाल है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कुछ नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर अनाउंस किया, राजस्थान में बनाए जाएंगे, तो कितने नए डिस्ट्रिक्ट का प्लान यहाँ पे अभी किया गया है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा? बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, काफी बच्चे आंसर कर रहे हैं। तो ये है 19, 19 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, 31 ऑलरेडी है, तो टोटल हो जाएंगे 50, टोटल हो जाएंगे 50। चलिए, हाँ जी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द नेचुरल फार्मिंग फॉर रिवाइटलाइजेशन, रिवाइटलाइजिंग एनवायरमेंट एंड रीसिलेंट एग्रीकल्चर, ये कौन से राज्य में ऑर्गेनाइज किया गया? ये अनुसुईया यूके के द्वारा यहाँ पर इनोग्रेट किया गया था। तो सुश्री अनुसुईया यूके जो है ये मणिपुर की राज्यपाल है, तो इसको मणिपुर में इनोग्रेट किया गया, इसको मणिपुर में इनोग्रेट किया गया, मणिपुर, मणिपुर। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए अगला सवाल, ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस जो है ये नई दिल्ली में होती है, और इसको कौन इनोग्रेट करता है? ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस जो है ये नई दिल्ली में होती है, और इसको कौन इनोग्रेट करता है, ये आपको बताना है। नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, द्रौपदी मुर्मू हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का ही आइडिया था, और इन्हीं के द्वारा इनोग्रेट किया गया। स्टूडेंट्स क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का क्लास और एमसीक्यू सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है? प्लीज करंट अफेयर्स को जरूर पढ़िए, करंट अफेयर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी का जो पढ़ाई है हम अगली क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।